उसको मारते समय तुम्हें जरा सी दया नहीं आई, शर्म नहीं आई? यहाँ अपने आप को बड़े वीर बता रहे हो, बलवान बता रहे हो। और जो ये बात आज लक्ष्मण ने बोली तो उसी समय आज वीर परशुराम जैसे कि अग्नि में घी डालने से दुगनी ज्वाल बढ़ जाती, उसी प्रकार से आज वीर परशुराम क्रोध में आकर के अपने हाथ में फरसा लिया और आगे बढ़े लक्ष्मण की तरफ। जैसे बढ़े, अरे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है इतना, क्योंकि मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता हूं, इसलिए आप शांत हो जाइए। लक्ष्मण जी फिर कहने लगे, अरे वीर परशुराम मैं सब जानता हूं, आप हमें क्या बताएंगे? उसी समय वीर परशुराम कहने लगे, आप ये हमारी धिक्कार है बुझाए, जो तेरे ऊपर प्रहार नहीं किया, ये तेरे जो दुध में है दांत ही, जब तक तोड़ नहीं दूंगा तब तक मेरी ये भुजाएं बेकार है। जैसे इस प्रकार से वीर परशुराम ने कहा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर से आगे बढ़े, हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु माफ करना, क्योंकि अपराधी तो मैं हूँ, अपराध तो मैंने किया है, धनुष को मैंने तोड़ा है, जो कुछ दंड देना है तो आप मुझे दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे सब कुछ स्वीकार कर है। उसी समय आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह लेंगे, क्या मुस्कुरा करके कि कहे हंसी रघुराई, अरे कहे हंसी श्री राम।
विश्राम। इसकी डोरी को चढ़ाइए और मैं समझ जाऊंगा। भगवान ने
तुरंत आज हाथ में धनुष मार लिया और तुरंत जैसे डोरी खींची वीर परशुराम एकदम शांत हो गए। जय जयकार करने लगे कि जय हो, मुझसे अपराध हो गया, मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। और भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या सभी लोग प्रार्थना करेंगे? वीर परशुराम बोले वृंदावन में हरे लाल की। आज वीर परशुराम राम का गुणगान करने लगे बार बार और बार बार क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत आपको परेशान किया, मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझे माफ कर देना, मैं समझ नहीं पाया, मुझे भूल हो गई। और कहने लगे क्या कि मिलता है बारात में चलेंगे और ताली बजाएंगे। है कौन कौन बारात को जाएगा भाई? आज मेरे राम की शादी है, समय के अनुसार पदार्पण हो चुका है हमारे दादा जी के द्वारा। बड़ी सुंदर पावन करके आप लोग समझ करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले आदि शक्ति प्यारी मैया को सजाए।
उपस्थित हो परम विवेकशील परम हृदय स्नेही श्रोता बंधु परम श्रद्धे चाचा श्री यज्ञाचार्य जी महाराज एवं समस्त वैदिक मंडल हमारे भैया प्रबंधक हमारे भैया यज्ञ के प्रबंधक रामहित गुप्ता जी एवं मंच का सकुशल संचालन कर रहे हमारे दादा श्री राम जी एवं यज्ञ के समस्त पदाधिकारीगण समस्त ग्राम्यवासी समस्त प्रक्षेत्रवासी माता अनुसुईया माता जानकी के पावन चरणारविंदों का अनुकरण करने वाली समस्त मातृशक्तियां एवं नौनिहाल मुन्ने मुन्ने बालवृंद वाद्य यंत्रों पर हमारा साथ दे रहे हमारे भैया लोग एवं जिनके ध्वनिवर्धक यंत्र पर और जिनकी कुशल कारीगरी से आप लोग इस ध्वनिवर्धक यंत्र का आनंद ले रहे हैं ऐसे हमारे भैया साउंड सर्विस वाले भैया जी आइए हम कथा कहने के अधिकारी बने और आप लोग कथा सुनने के अधिकारी बने इसलिए दो बार सब लोग भगवत नाम संकीर्तन उच्चारण करिए भाव से सब लोग बोलिएगा ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सामरिया अवध बिहारी सामरिया आनंद के साथ में सब लोग जो जहां पर बैठा है जिस स्थान पर भाव के सहित दो बार भगवान का नाम स्मरण करिएगा ले चल अपनी नागरिया सीताराम जी महाराज की बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी ही पावन चर्चा
अभी आप लोग परम साधवी जी के द्वारा हृदयंगम कर रहे चरित अनु नारी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है। ए भैया, क्योंकि कहा भी गया है, अच्छा हमारी माताएं एक बात बतावे, अगर पत्नी अपने पति के साथ में कहीं जा रही है, पत्नी अपने पति के साथ में कहीं जा रही है और पत्नी के सामने अगर पति देव ए दूसरी नारी की जरा सी अगर प्रशंसा कही दे, केवल इतना ही कही दे पत्नी के सामने कि देखो कितनी सुंदर नारी जा रही, तो कहे चुपके रहो, हमका पहराए बढ़ा के देखो का हम कमी किया की थी। बोलो शंकर भगवान की, नारी नारी की प्रशंसा सुनना स्वीकार नहीं करती, मोहित होना तो अलग बात है, लेकिन गोस्वामी बाबा यहाँ पर लिखते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, और बाल कांड में लिख रहे हैं देख रूप मोहे नर नारी। जब माता जानकी सभा में आई तो वहां के राजाओं और राजकुमारों का मोहित होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नारी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं हो सकती है। तो फिर लिखा क्यों गोस्वामी बाबा ने, देखो एक बात बतावें, बहुत ध्यान से सुनिएगा और रामचरित मानस की इस कथा वही रुकेगा जो सूप वाला श्रोता होगा, ए बाकी फराहा सब उड़ाई जाई देखने रही गई हो, फराहा सब है उड़ा जाए रहा, जिनका खाली बर्गर पिज्जा टिक्की पकौड़ी लाली टिकली बिंदी लिपस्टिक से। तो रास्ते में मार्ग में एक नारी के आकार का पत्थर देखा, तो गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा कि ये पत्थर कैसा है, पाषाण कैसा है, तो गुरुदेव भैया कहने लगे, विश्वामित्र जी महाराज ने बताया, अच्छा वो पत्थर कौन सा था आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने सुना होगा कि वो अहिल्या है गौतम बाबा की पत्नी जो पत्थर बन करके रास्ते में पड़ी है, भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है। गौतम नारी स्ट्रॉप बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी कहते हैं, भगवन हे राम जी, ये गौतम बाबा चरणों की धूल प्रभु चाहती है, ये चरणों की धूल Thank you.
चाहती कहने लगे रानी ये क्या मांग रही हो तुम। 14 वर्षों का वनवास मेरे पुत्र के लिए बैरी राम बड़ाई करही। मेरे राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो तुम उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। कहा मैं उसको अयोध्या का राज्य देने जा रहा हूं और कहा तुम उसके लिए वनवास मांग रही हो। मैं अपने पुत्र राम से कैसे कहूंगा कि ये राम अब तुम्हें अयोध्या का राज्य नहीं मिलेगा, अब तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। किस मुंह से कहूंगा, कैसे कहूंगा। इसलिए हे महारानी अपना ये वरदान बदल दो, कुछ और मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, राज्य ताज वैभव सुख संपत्ति सब मांग लो, यहाँ तक अपना मस्तक भी तुम्हारे चरणों में काट कर रख दूंगा, लेकिन राम के लिए वनवास न मांगो। महाराज दशरथ कहते हैं महारानी कैकेयी, किस जुबान से कहूं नानी, किस जुबान से राम से वन में जाने को, जुबान से कहूं रानी, राम से वन में जाने को। महारानी राम।
खंडन कर दिया। और ये बात जब गुरु बाबा को पता चली तो महाराज दंडवेड़ को श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख